संशोधन अधिनियम 2019 इसके समर्थन में आज विशाल जनसमूह भोपाल में अपनी देशभक्ति का प्रमाण दे रहा है। और सच है कि भारत में देशभक्तों की कमी नहीं है, परंतु देश में छुपे हुए गद्दार, अराजकतावादी, देशद्रोही ताकतें अपना प्रभाव दिखाती है, थोड़ी देर के लिए दिखा पाती है, परंतु जब देशभक्ति सामने आती है तो सब धाराशाही हो जाते हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी की जो दृढ़ इच्छा शक्ति और उन्होंने जो दृढ़ता दिखा करके सीए को बनाया है और ये कानून बन गया है, जब राष्ट्रपति जी का साइन हो जाता है तो वो कानून बन जाता है और वो संविधान बन जाता है, और इसका विरोध करने वाले लोग संविधान का संवैधानिक अपराध करते हैं। ये उनकी गलती नहीं है, ये कांग्रेसियों की गलती नहीं है कि वीर सावरकर जी को वो किसी भी प्रकार से उनके लिए अपशब्द बोल रहे हैं या किसी भी प्रकार से जो कर रहे हैं बहुत घृणित है, ये उनकी गलती नहीं है। उन्हें तो सब चीज़ विरासत में मिली है और ये उनके कुसंस्कार हैं, उन्हें ज्ञान ही नहीं है कि ये देश को आज़ादी कैसे मिली, देश को स्वतंत्रता कैसे मिली, किसने कितने कष्ट सहे, क्योंकि इनका कोई किसी भी प्रकार से देश के लिए समर्पित तो हुआ नहीं है। देश परतंत्र काल में जिन लोगों ने आहुतियाँ दी हैं वो हमारे लिए सम्माननीय माननीय, हम उनको शत शत नमन करते हैं। वीर सावरकर जी का बलिदान देश में इतिहास था कि उनको डबल मृत्युदंड हुआ था, डबल आजीवन कारावास हुआ था, और उन्होंने जो कष्ट सहे हैं वो कोई भी नहीं सह सकता, और सिर्फ देशभक्त क्रांतिकारी सहन कर सकते जिनके मन में उत्कट भावना होती है। और ऐसा उनको अपशब्द कहने वाले, उनको गाली देने वाले, क्रांतिवीरों का अपमान करने वाले, ये कांग्रेस की संस्कृति है। तो वो अपना कार्य कर रहे हैं, जनता उनको जवाब देती है और देगी।